दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले मीडियाटेक हेलियो G70 प्रोसेसर को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर के साथ में। और भाई जो G70 प्रोसेसर है ना यार, रियलमी C3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और रियलमी C3 के अंदर जो परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिली है ना भाई, काफी तगड़ी मिली है। मीडियाटेक ने G70 प्रोसेसर के अंदर जो काम किया है भाई, जो G90T प्रोसेसर है ना उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहां पर नहीं देखने को मिलता है। और काफी तगड़ा गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर आपको दिया गया है बजट सेगमेंट में। और इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन से इसको आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की 7 सीरीज से कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले 710 के साथ में, जो कि बहुत सारे फोन्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लीजिए रियलमी 3 प्रो की, तो आपको 710 प्रोसेसर उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इस वीडियो के अंदर करते हैं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं दोनों में से कौन सा प्रोसेसर है बेटर। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। मीडियाटेक हेलियो G70 लॉन्च हुआ था 13 जनवरी 2020 को। स्नैपड्रैगन 710 लॉन्च हुआ था 24 मई 2018 को। यानी कि रिकॉर्डिंग डेट पे अगर बात की जाए तो भाई G70 बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 710 की बात की जाए तो तकरीबन 2 साल पुराना प्रोसेसर है। CPU और CPU क्लॉक स्पीड की बात करते हैं। मीडियाटेक हेलियो G70 और स्नैपड्रैगन 710 दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको ड्यूअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा, जहां पर दोनों ही प्रोसेसर 2+6 वाला बिग लिटिल आर्किटेक्चर यूज करते हैं, जहां पर 2 कोर आपको मिलते हैं परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हेलियो G70 में, जहां पे आपको मिल जाता है आर्म कॉर्टेक्स A75 CPU और क्लॉक स्पीड आपको यहां पर मिल जाती है 2 GHz की। जो बचे हुए 6 कोर है वो मिलते हैं आपको एफिशिएंसी के लिए, जहां पर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A55, जहां पर क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.7 GHz की। बात की जाए स्नैपड्रैगन 710 की, तो यहां पर आपको 2 कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस के लिए, जहां पर आपको मिलता है क्रायो 360 गोल्ड वाला, जो कि बेस्ड होता है कॉर्टेक्स A75 CPU पे। क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है यहाँ पर 2.2 GHz की। जो बचे हुए 6 कोर है वहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 360 सिल्वर वाला, जो कि बेस्ड है कॉर्टेक्स A55 CPU पे, और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.7 GHz की। तो यहाँ पर अगर क्लॉक स्पीड की बात की जाए तो भाई बेटर क्लॉक स्पीड आपको मिलती है स्नैपड्रैगन 710 के अंदर, लेकिन CPU दोनों के अंदर आपको एक जैसे देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर CPU क्लॉक स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 710 हल्का सा बेटर प्रोसेसर है मीडियाटेक हेलियो G70 से। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस का एक्चुअल में मतलब ही होता है भाई कि जब प्रोसेसर बनाया जाता है तो उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, और उन सेमीकंडक्टर का साइज जो रखा जाता है उसको बोला जाता है फैब्रिकेशन प्रोसेस। और सेमीकंडक्टर का साइज जितना कम रखा जाता है प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, उतना ही एनर्जी एफिशिएंट होता है और हीट भी उतना ही कम होता है। मीडियाटेक हेलियो G70 की बात की जाए तो इसको प्रोसेस किया गया है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। वहीं पर बात की जाए स्नैपड्रैगन 710 की, तो यहाँ पर 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस आपको स्नैपड्रैगन 710 में देखने को मिलती है। तो बेटर बैटरी एफिशिएंसी आपको मिलेगी कंपैरेटिवली स्नैपड्रैगन 710 में बेटर मिलेगी। हीटिंग का इशू भी आपको स्नैपड्रैगन 710 में थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात की जाए भाई, तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यानी कि दोनों प्रोसेसर में टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए आपको 8-8 कोर मिल जाएंगे। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। मीडियाटेक हेलियो G70 के अंदर आपको मिलता है आर्म माली G52 2EE MC2 GPU। क्लॉक स्पीड आपको यहाँ पर मिलती है 825 MHz की। और परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए रियलमी C3 के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर की देखने को मिली है। गेमिंग वगैरह की बात करें तो पबजी आप लो और बैलेंस सेटिंग यानी मीडियम सेटिंग्स में काफ़ी लैग फ्री खेल सकते हैं, तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी निकल के आ जाती है मीडियाटेक हेलियो G70 के अंदर। स्नैपड्रैगन 710 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम एड्रेनो 616 GPU। क्लॉक स्पीड क्या मिलती है यार, ये तो कहीं पर मेंशन नहीं था, तो मैंने भी मेंशन नहीं किया है। अगर आपको पता पड़ता है कि स्नैपड्रैगन 710 के अंदर क्वालकॉम एड्रेनो 616 को कितने पे क्लॉक किया गया है तो मुझे कमेंट करके भाई जरूर से बता देना। यहाँ पर दोनों अगर GPU की बात की जाए तो मुझे पर्सनली थोड़ा सा बेटर लगता है क्वालकॉम एड्रेनो 616 GPU, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी। तो GPU के मामले में एडवांटेज जाता है स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर को। बात की जाए रैम सपोर्ट की, तो दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। दोनों प्रोसेसर में मैक्सिमम रैम साइज आपको मिल जाता है 8 GB का, लेकिन जो हल्का सा डिफरेंस आता है वो आता है रैम फ्रीक्वेंसी के अंदर। स्नैपड्रैगन 710 एक बेटर प्रोसेसर लगता है रैम फ्रीक्वेंसी के मामले में, जहां पर 1866 MHz की रैम फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर में। मीडियाटेक हेलियो G70 के अंदर थोड़ी सी कम मिलती है 1800 MHz की। तो रैम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 710 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है।
स्टोरेज सपोर्ट की बात की जाए भाई तो मीडियाटेक हेलियो G70 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर आपको UFS 2.1 वाला स्टोरेज सपोर्ट नहीं मिलता है। मीडियाटेक हेलियो G70 के अंदर आपको केवल EMMC 5.1 वाले स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। स्नैपड्रैगन 710 की बात की जाए तो यहाँ पर EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो भाई अगर कोई ऐसा फोन आता है स्नैपड्रैगन 710 के साथ में UFS 2.1 वाली स्टोरेज के साथ में तो रीड राइट की स्पीड काफी आपको तगड़ी मिल जाएगी उसके अंदर। स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 710 एक बेटर प्रोसेसर है। कैमरा सपोर्ट की बात कर लेते हैं। मीडियाटेक हेलियो G70 के अंदर आपको 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल सकता है और सिंगल कैमरा की बात की जाए तो मैक्सिमम 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकता है सिंगल कैमरा सेटअप में। स्नैपड्रैगन 710 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। MFNR और ZSL का सपोर्ट मिल जाता है आपको और फ्रेम रेट मिल जाता है वहाँ पर 30 फ्रेम पर सेकंड का। सिंगल कैमरा की बात की जाए अगर MFNR और ZSL के सपोर्ट के साथ में तो 25 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल जाता है आपको, 30 फ्रेम पर सेकंड का आपको फ्रेम रेट मिल जाता है। अगर ZSL का सपोर्ट हटा दिया जाए तो 48 मेगापिक्सल तक का आपको कैमरा मिल जाता है MFNR के सपोर्ट के साथ में, और भाई MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट हटा दिया जाए तो 192 मेगापिक्सल 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा आपको 710 के साथ में देखने को मिल सकता है। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में 710 एक बेटर प्रोसेसर है। बात की जाए वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की। मीडियाटेक हेलियो G70 प्रोसेसर के साथ में आप 2K वीडियो 1440 पिक्सल्स यानी कि QHD प्लस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे। फुल HD प्लस वीडियो यानी 1080 पिक्सल्स रिकॉर्ड करते हैं तो फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 60 फ्रेम पर सेकंड का। स्नैपड्रैगन 710 की बात की जाए तो यहाँ पर आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो 2160 पिक्सल्स पर रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे। फुल HD प्लस वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं 1080 पिक्सल्स वाले तो फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 120 फ्रेम पर सेकंड का। HD वीडियो की बात की जाए तो 720 पिक्सल पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 फ्रेम पर सेकंड पर, उसको आप एज अ स्लो मोशन वीडियो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में स्नैपड्रैगन 710 के अंदर आपको ज्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं। बात करें डिस्प्ले सपोर्ट की। मीडियाटेक हेलियो G70 के अंदर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। जो रिजोल्यूशन मिलता है वो मिलता है आपको मैक्सिमम 1080x2520 पिक्सल्स का। स्नैपड्रैगन 710 के अंदर आपको क्वाड HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है। जो रिजोल्यूशन मिलता है आपको मिलता है 1440x3360 पिक्सल्स का, तो बेटर डिस्प्ले सपोर्ट आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर में। LTE मॉडेम की अगर बात कर ली जाए तो मीडियाटेक हेलियो G70 के अंदर आपको इंटीग्रेटेड 4G LTE मॉडेम देखने को मिलता है। डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है 300 Mbps की, और जो डाउनलिंक के लिए मॉडेम मिलता है वहां पर आपको मिलता है कैट 7 मॉडेम। अपलिंक के लिए आपको यहां पर मिलता है कैट 13 मॉडेम, और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। स्नैपड्रैगन 710 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन X50 LTE मॉडेम देखने को मिलता है, X15 LTE मॉडेम देखने को मिलता है। डाउनलिंक के लिए यहाँ पर आपको मिलता है कैट 15 मॉडेम। डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है यहाँ पर 800 Mbps की। अपलिंक के लिए यहाँ पर भी आपको कैट 13 मॉडेम देखने को मिलता है, और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। तो भाई जो डिफरेंस आता है वो आता है डाउनलोड स्पीड में, और काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 710 में आपको 800 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिल जाती है, G70 में आपको 300 Mbps की मिलती है। तो LTE मॉडेम के मामले में डाउनलिंक के कारण यहाँ पर बेटर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 710। एंटूटू स्कोर्स की अगर बात की जाए तो मीडियाटेक हेलियो G70 को मिलते हैं लगभग 1,94,170 पॉइंट, वहीं पर स्नैपड्रैगन 710 को मिलते हैं लगभग 1,66,935 पॉइंट। अब भाई कहानी यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन लगती है यार, कंफ्यूजिंग लगती है कि स्नैपड्रैगन 710 को कम मिले हैं एंटूटू की तरफ से, वहीं पर हेलियो G70 को थोड़ा सा ज़्यादा मिले हैं। लेकिन भाई जो एंटूटू स्कोर होता है ना, वो एक ओवरऑल स्कोर होता है, केवल प्रोसेसर का स्कोर नहीं होता है। यहाँ पर एंटूटू पूरा ओवरऑल फोन का परफॉर्मेंस देखता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो Geekbench स्कोर है वो एक्यूरेट स्कोर्स होते हैं प्रोसेसर के लिए। Geekbench स्कोर की अगर बात की जाए भाई तो मीडियाटेक हेलियो G70 का Geekbench स्कोर तो अभी बाहर नहीं हुआ है, लेकिन स्नैपड्रैगन 710 को सिंगल कोर में मिले थे 1,899 पॉइंट, और मल्टी कोर में मिलते हैं 5,966 पॉइंट। तो ये काफी अच्छा स्कोर है Geekbench की तरफ से स्नैपड्रैगन 710 को, यानी कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको 710 प्रोसेसर के साथ में देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये था कंपैरिजन मीडियाटेक हेलियो G70 प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर के साथ में। और भाई स्पेसिफिकेशंस वाइज अगर बात की जाए ना, तो बेटर CPU आपको मिल जाता है, बेटर GPU मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 710 में, आपको बेटर RAM फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। साथ ही में बात करें फैब्रिकेशन प्रोसेस आपको बेटर मिलती है, यानी कि अधिकतर चीज़ें बेटर। LTE मॉडेम भी आपको देखने के लिए मिलता है 710 में, तो अधिकतर चीज़ें आपको बेटर मिलती है मीडियाटेक हेलियो G70 से। लेकिन जो डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नेक टू नेक डिफरेंस है यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर के अंदर।
लेकिन हाँ भाई, जो इस बैटल का अल्टीमेट विनर निकल के आता है वो निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई, आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। हालांकि N22 के हिसाब से तो भाई G70 की परफॉर्मेंस बेटर निकल के आ रही है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो Geekbench स्कोर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। N22 एक ओवरऑल स्कोर होता है, जो Geekbench स्कोर होता है वो मिलता है केवल प्रोसेसर के ऊपर। तो भाई आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना दोनों में से आपको कौन सा प्रोसेसर बेटर लगता है, जरूर से मेरे को कमेंट करके बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचेंगे तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।